मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज उनके द्वारा बजट में की गई जोधपुर शहर को लेकर घोषणाओं के कामों को देखने के लिए बस से निकले। अपने साथ कांग्रेसियों को लेकर वे हर जगह पर गए, प्रशासन के अधिकारियों से फीडबैक लिया। सबसे पहले वे सुरपुरा बांध गए जहां पर चल रहे कामों को देखा और उसके बाद वे पावटा अस्पताल देखने गए। इस अस्पताल को एक्सपांसन किया जा रहा है, 300 पलंग में कन्वर्ट किया जाएगा। इसके बाद में नए मेडिकल कॉलेज जोधपुर खुलने की संभावना बढ़ जाएगी। साथ ही उन्होंने यहाँ बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन हॉल व रोडवेज बस स्टैंड को भी देखा। गहलोत ने कहा कि जोधपुर के कामों को लेकर वे खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसमें किसी तरह की कमी नहीं आएगी। इसकी मॉनिटरिंग रेगुलर हो रही है। जयपुर से मैं जहाँ मीटिंग करता हूँ कलेक्टर से या डिप्टी कमिश्नर से जो भी आते हैं, बातचीत हो रही है। और ये हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट किया हाथ में, ये चाहे वो बस स्टैंड का हो, चाहे वो पावटा का जो ऐतिहासिक हॉस्पिटल है उस एक्सपेंशन का हो, तो 20-25 साल पहले से कल्पना थी तो कृषि भवन खाली नहीं हो रहा, इस बार खाली करवाया और वो एक्सपेंशन हो जाएगा। तो जो भी शहर के गांव के लोग आते हैं तो चौराहे है इम्पोर्टेंट पावटा चौराहा, वहाँ पर एक अच्छा अस्पताल मिल जाएगा। नंबर दो, कभी एक और मेडिकल कॉलेज खोलने की बात आएगी जोधपुर के अंदर, उसके लिए भी हॉस्पिटल काम आ जाएगा। तो 300 बेड का बन जाएगा, अभी 150 तो है, 150 का है, 150 और बन जाएगा। कभी कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट का बना नया मेडिकल कॉलेज तो एक रिक्वायरमेंट होती है हॉस्पिटल की, वो काम आता है। तो जो जो काम आदमी लिए गए, मैं समझता हूँ बस स्टैंड का बड़ा इम्पोर्टेंट काम है। ये ऑडिटोरियम बन रहा 1500 सीट का, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा, बड़ा है। जैना टाउन हॉल को भी वहाँ पर रिनोवेट करवा रहे हैं, नया तालाब देख के हम अभी वो जो काफ़ी तकलीफ का पानी थे, पूरे मोहल्ले वाले दुखी थे, वो गर्म चला गया था पानी, अब देखिए क्या स्थिति थी। और सुरपुरा में तो पूरा झुरपुरा लग गया, वहाँ पर पानी के बोटिंग भी अच्छी हो रही है। कोयला भी 10 लाख तक का, मतलब हमने जो बीमा किया है 10 लाख तक का, और प्राइवेट में जाओ चाहे गवर्नमेंट में जाओ तो बहुत बड़ा काम है। तो ये तमाम काम तो आपके सामने है। सर बता रहे 2-3 दिन की स्थिति है राजस्थान में, आगे क्या रहना बता। देखो हमने काफ़ी पैरवी करके आए, हम उम्मीद करते हैं कि कोई रास्ता निकालेंगे, वो उनके ऊपर है। क्योंकि भारत सरकार से भी हमने क्लियरेंस लिए और जो अटकी हुई क्लियरेंस है उसका मांग करके आए कलम, उम्मीद करते हैं कि कुछ फैसला होगा तो वापस गाड़ी पटरी पर आएगी। सब वर्गों को, सब जाति बिरादरी को, सब धर्मों को, आम जनता को मैं समझता हूँ कि ढंग से बजट पेश किया गया, और पूरे राजस्थान में नहीं बल्कि राजस्थान के बाहर भी चर्चा उसकी है। एलिवेटेड रोड के लिए तो गडकरी साहब ने प्रॉमिस किया मुझसे कि वो इतना बड़ा काम है, टेक्निकल भी काम है उसके अंदर, तो वो क्योंकि उन्होंने काफ़ी जगह बनवाए हैं। जो एलिवेटेड रोड है तो कई जगह से उसके अंडरग्राउंड जाए वो, तो वो हमने स्टेट गवर्नमेंट से DPR बनवाने की मैंने घोषणा करी थी। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वो है। तो गडकरी जी ने कहा मैं DPR बनवाता हूँ, वादा किया, लिख के भेजे उन्होंने, और अब DPR के लिए लोग आए होंगे, आ जाएंगे। एक बार तो देख के गए उनके खुद के नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोग, चालू जो राजस्थान कहते हैं कि ऑफिसर, वो भी आके गए हैं। तो अगर वो सक्सेसफुल हो गई DPR तो फिर गडकरी से बात करेंगे कि किस प्रकार ये काम आगे बढ़े। गहलोत ने कहा कि बिजली संकट को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार से बात हुई है, हमें उम्मीद है कि कोल आवंटन को लेकर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा जिससे कि गाड़ी पटरी पर आ जाएगी। जोधपुर शहर के कामों का जायजा लेने के बाद वे सर्किट हाउस चले गए। आज देर शाम तक उनके जोधपुर रुकने का ही कार्यक्रम बना हुआ है। मनोज वर्मा, ETV भारत, जोधपुर।